इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग कैरियर ऐसी रिमोट के बारे में बात करने वाले कि इस रिमोट में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है, क्योंकि पिछला जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें कुछ फीचर्स ऐसा था जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं किया था, कुछ फीचर्स आपको रह गया था जो कि इसमें आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला, तो वीडियो पर आपको बने रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे हमें कैरियर ऐसी के रिमोट में क्या देखने को मिलता है, वो होता है टेम्परेचर बटन। ठीक है, आप ऊपर के जो दो बटन है टेम्परेचर भी लिखा, उससे आप एडजस्ट कर सकते हो कितने टेम्परेचर में हमें रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मोड का एक बटन दिख रहा होगा और यहाँ पर आप मोड में आप देख सकते हो कि हमारा जो मोड का सेटअप है वो कहाँ पर सेटअप किया हुआ है। ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ड्राई मोड का सेटअप आपको दिख रहा होगा। ड्राई मोड का सेटअप करने से क्या होता है वो ध्यान से समझे, ये आपका बरसात के समय में यूज़ होता है। बरसात के समय में आप अगर ड्राई मोड पर चलाते हो तो उससे होता क्या, आपके जो हवा जो होगा इंडोर जो ब्लोअर से हवा मिलेगा उस पर चिपचिपाहटपन ज़रा सा भी नहीं रहेगा, कंप्लीट आपको हवा क्लियर मिलेगा। ठीक है, जो आप ड्राई मोड को यूज़ कर सकते हो बरसात के समय। यहाँ पर हीट मोड का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है जो कि मोड बटन से ही देखने को मिलता है। हीट मोड पे करने से क्या होगा, अगर आपका एसी कूल एंड हॉट का सिस्टम उसमें दिया हुआ है तो आपका हीट मोड काम करेगा, उससे आपका जो इंडोर से हवा आता है वो पूरा गर्म आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमको फैन मोड हमें देखने को मिल जाता है। फैन मोड में क्या होता है, फैन मोड में होता ये है कि हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा, ओनली फॉर सी फैन चलेगा ऑर्डोनेट में और हमारा कूलिंग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम मोड बटन को प्रेस करते तो हमें एक ऑटो मोड मिल जाता है। ऑटो मोड क्या होता है, ऑटो मोड में सिस्टम ये होता है कि आपका जो रूम में टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा और आपका कूलिंग नॉर्मल कूलिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखने को मिल जाता है वो होता है कूल मोड। ठीक है, कूल मोड क्या होता है वो भी आप ध्यान से समझे। कूल मोड में अगर आप प्रेस कर दे तो उससे ये होगा कि आपका जो रूम में आप जितना चाहो उतना कूलिंग बढ़ा सकते हो। कहने का मतलब ये है अगर आप 17 डिग्री पे टेम्परेचर पे सेटअप करोगे या फिर 18 डिग्री पे करोगे तो उतना रूम में कूलिंग होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका कंप्रेसर ट्रिप करेगा जितना आप टेम्परेचर पे सेटअप करोगे। ठीक है, तो कूल मोड से आपका यही फायदा है, कूलिंग बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप कूल मोड पे इजीली आप सेटअप कर सकते हो गर्मी के सीज़न में। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमारा ऑन ऑफ का बटन है नॉर्मली जो कि हर एसी के रिमोट में होता है। उसके बाद हमें फ़ैन का एक बटन मिल जाता है, इसमें आप अपने हिसाब से इसको भी एडजस्ट कर सकते हो कि हमें किस मतलब के फ़ैन का स्पीड को रखना है, हाई पे रखना है या फिर मीडियम पे रखना है या फिर लो पे रखना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग डिस्प्ले में आपको शो रहा है एक एरो जो कि आपको बता रहा है कि हमें लो पे रखना है, मीडियम पे रखना है या फिर हाई पे रखना है। तो आप नॉर्मली मीडियम पे सेटअप करके छोड़ सकते हो तो आपको नॉर्मली हवा इंडोर यूनिट में मिल जाएगा। ठीक है, ये तो आपका फैन का बटन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पर स्विंग का बटन आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं ये दो बटन है, ये आपका स्विंग का बटन है। इस बटन को अगर आप प्रेस कर सकते मतलब प्रेस करते हो ऊपर वाला को स्विंग का बटन को, तो उससे क्या होगा आपका जो फ्लिप रहता है इंडोर यूनिट में उसमें आपका एक बार डायरेक्शन नीचे होगा और सेकंड बार प्रेस करोगे तो फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे होगा, फिर थर्ड बार प्रेस करोगे तो थोड़ा सा नीचे, इस टाइप का आपका स्विंग का एडजस्टमेंट होता है। नीचे वाला आप देख सकते हो जो एक और बटन है स्विंग का, ये जो मैं प्रेस कर रहा हूँ, इससे होता क्या है कि आप उसको प्रेस करते हो ऑटोमेटिकली आप कंटिन्यूस वो अप डाउन आपका स्विंग का जो फ्लिप रहेगा वो होते रहेगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि स्लिप का मोड का बटन। ठीक है, इस स्लिप मोड का बटन को भी ध्यान से समझे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इस बटन को हम लोग रात के समय में यूज़ करते हैं, इसको क्या होता है अगर आप इसको प्रेस कर देते हो तो उससे क्या होगा, ये 24 पे हमको सेटअप करके रखना है सबसे पहले टेम्परेचर, उसके बाद क्या होगा इस बटन को प्रेस कर देते हो तो हर एक घंटा में एक टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, एक घंटा में जैसे कि आप 24 में सेटअप कर दिए हो और आप स्लिप मोड का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो एक घंटा में एक टेम्परेचर बढ़ेगा, दो घंटा में दो टेम्परेचर बढ़ेगा, इस टाइप से आपका 6 घंटे का प्रोसेस चलेगा स्लिप मोड का। उसके बाद आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा आपका और आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा और आपका इससे बिजली बिल भी कम आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें चलते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइमर का सिस्टम, तो ये टाइमर का सिस्टम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये टाइमर का सिस्टम को आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग आपको टाइमिंग्स हो रहा है जो कि आप इसको भी सेटअप कर सकते हो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। टाइमर ऑन का बटन को अगर आप प्रेस कर देते हो टाइमर ऑन हो जाएगा 2 घंटा 3 घंटा, जितना भी आप सेटअप करोगे ऑटोमेटिकली आपका एसी उतने समय में एसी ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप टाइमर ऑन को सेटअप 2 घंटा 3 घंटा जितना भी टाइमिंग में आप सेटअप करते हो तो। ठीक है, टाइमर ऑन का सिस्टम यही होता है। एंड गाइस हम लोग नेक्स्ट चलेंगे तो हमारे नीचे की तरफ यहाँ पर टाइमर ऑफ का सिस्टम मिलता है। ठीक है, टाइमर ऑफ का सिस्टम क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। टाइमर ऑफ में आप सेटअप कर सकते हो इसमें भी टाइमिंग, ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा 2.5 घंटा जितना भी सेटअप करोगे उतना टाइमिंग होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका एसी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है टाइमर का सिस्टम, इससे आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो कि हाँ हमें कितने टाइमिंग के बाद एसी को ऑफ करना है और कितने टाइमिंग होने के बाद हमें एसी को
ऑन करना है, ठीक है। ये ऑन ऑफ का सिस्टम आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो ये कह रहे एसी के रिमोट से, जो कि नॉर्मली आपका हो जाएगा, कोई तरह का आपको प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो टाइमर का सिस्टम आपका ये होता है, उम्मीद करता हूँ ये टाइमर का सिस्टम आपको मतलब कि समझ में आया होगा। एंड गाइस हम लोग नेक्स्ट लें, तो नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि नीचे की तरफ भी आप लोगों को काफ़ी सारा बटन मिलता है, जो कि आपको टर्बो बटन मिलता है, एलईडी बटन मिलता है, और काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग यहाँ पर बटन मिल जाता है कैरियर एसी के रिमोट में, ठीक है। तो नीचे की तरफ आपको देख सकते हो माई मोड का एक ऑप्शन है, उस बटन को अगर आप प्रेस करते हो तो उससे क्या होगा, उसका बटन अगर प्रेस करते हो ऑटोमेटिकली ये ऑटो मोड पर चल जाएगा और अपना 26 टेम्परेचर आपका रूम का आपका ये एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर आप मतलब के माई मोड को बटन को प्रेस करते हो ऑटोमेटिकली ये ऑटो मोड में जाएगा और 26 डिग्री पे सेटअप हो जाएगा, ठीक है। एंड गाइस उसके बाद हमें मिलता है एक फॉलो मी का बटन, ठीक है। इस फॉलो मी का बटन को आप प्रेस करते हो तो ये नॉर्मली इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर एक आइकन बन के आ जाता है डिस्प्ले में, आप देख सकते हो, जो कि नॉर्मली ये होता है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कीजिए वही सही होगा। एंड गाइस नेक्स्ट हम लोग बटन की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलईडी का बटन हमें दिख रहा होगा तीसरे नंबर पे, ये बटन है एलईडी का। इस बटन को प्रेस करने से क्या होता है वो मैं आप लोग को भी दिखा देता हूँ इंडोर यूनिट के सामने जा करके, जो आपको इजीली समझ में आ पाएगा। इस बटन को प्रेस करते तो जो आपका इंडोर यूनिट का डिस्प्ले में जो टेम्परेचर शो होता है वो ऑटोमेटिकली आपका लाइट वहाँ का बंद हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। एलईडी बटन से यही होता है, इंडोर यूनिट में जो लाइट रहता है डिस्प्ले का वो बंद हो जाएगा, जो भी मतलब कि आपको टेम्परेचर शो होता है। एंड गाइस इसके बाद हमें टर्बो का एक बटन मिल जाता है, टर्बो बटन क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टर्बो बटन को प्रेस करने से होता ही है कंप्रेसर आपका हाई स्पीड पे चलने रहता है और आपका कूलिंग बहुत ज़्यादा रूम में बढ़ने जाता है, ठीक है। ये हम लोग कब एडजस्ट करें, जैसे आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग चाहिए, जल्दी चाहिए, तो आप टर्बो बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें आपका कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। लेकिन इससे आपका एक चीज़ का नुकसान होगा जो होता है बिजली बिल, ठीक है। इससे आपका बिजली बिल बहुत ज़्यादा होता है, तो आप टर्बो बटन को अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो, जब आपको कूलिंग चाहिए बहुत ज़्यादा तब आप उसके इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आपका कूल मोड पर ही काम हो जाएगा। तो यही डिटेल के बारे में मुझे बताना था फ्रेंड्स आपका कैरियर एसी रिमोट के बारे में। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।